स्टार्ट होती है कोरिया में और हमें स्टार्ट में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर चार स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और उस स्टूडेंट का नाम जिनसू होता है और वो स्टूडेंट जिनसू को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी जिनसू की बॉडी में कुछ अजीब किस्म की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है और जिनसू की बॉडी देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। और फिर जिनसू उठकर इन स्टूडेंट्स को मारने लगता है जो जिनसू को बुरी तरह से मार रहे थे। अब वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करता है, जैसे ज़ॉम्बी किसी पर अटैक करने लगते हैं और वो किसी को भी नहीं देखते। और जब जिनसू एक स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर वो नीचे रोड पर ही गिर जाता है। अब रोड पर गिरने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब वो चारों स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जिनसू मर गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर हम जिनसू को देखते हैं। अब जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और यहीं पर जिनसू के फादर उससे मिलने आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली था। और अब यहाँ पर ये दोनों कुछ बातें करते हैं, लेकिन जिनसू को ये बात पहले ही पता थी कि वो ज़ॉम्बी बन सकता था और उसके फादर भी इस बारे में जानते थे कि जिनसू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर जिनसू अपने फादर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली एक फाइबर उठाते हैं और जिनसू की तरफ कर देते हैं। फिर इसके बाद मिस्टर ली जिनसू को एक बैग में बंद करते हैं और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी जिनसू का हाथ उस बैग से बाहर आता है और वो अपने फादर के हाथ को पकड़ लेता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरते। और इसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और अब हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं और हमें एक कोरिया का स्कूल दिखाया जाता है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि गर्मियों का सीजन जा चुका है और सर्दियों का सीजन आ गया है और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ का एक कल्चर भी है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की सफाई खुद करना पड़ती है और सभी स्टूडेंट्स इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तभी हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है और इस लैब में हम एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था जो जिनसू को मार रहे थे और ये लड़की उन लोगों के साथ शामिल थी। और जब ये लड़की साइंस लैब से बाहर आने लगती है तभी इसको एक अजीब सी आवाज आती है और जब वो देखती है तो एक बॉक्स में चूहा बंद था और वो अब उस चूहे से प्यार करने लगती है और अपने फिंगर के इशारे से उस चूहे को अपने पास बुलाती है। और तभी वो चूहा उसकी फिंगर पर बाइट कर लेता है और जब चूहा इसको काटता है तो इसकी फिंगर से ब्लड आने लगता है और वो चूहा अगले ही पल ज़ॉम्बी बन जाता है। और अब हमें ये पता है कि अगर चूहे ने इस लड़की को काटा है तो ये भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। और वहाँ पर लैब के टीचर आ जाते हैं, ये मिस्टर ली थे। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि मिस्टर ली इनके साइंस के टीचर थे। और जब मिस्टर ली को ये बात पता चलती है कि इस लड़की को चूहे ने काट लिया है तो मिस्टर ली इस लड़की को बाहर जाने नहीं देते और इसको अंदर ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं और इसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है। अब इसके सभी फ्रेंड्स इसकी मॉम के रेस्टोरेंट पर जाने के लिए उससे कहते हैं और फिर स्वान अपने सभी फ्रेंड को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पर ले जाता है। और यहाँ पर हम इस सीरीज के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ऑनजो। अब इस रेस्टोरेंट में ये खाना खाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और साथ ही अपने स्कूल के टीचर की बात भी करते हैं। ये मिस्टर ली की बात कर रहे थे कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो सबके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं। और यहाँ पर ये लोग जिनसू की बात कर रहे थे। अब जिनसू गायब हो गया था और हम लोगों ने लास्ट सीन में उसको एक सूटकेस में बंद देखा था। इसके बाद जिनसू का पता किसी को भी नहीं था और फिर इसके बाद ये लोग उठकर बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है कि सैन ऑनजो को पसंद करता था। ऑनजो सैन से अपने बाल खोलकर पूछती है कि वो कैसी लगती है। अब सैन इस बात को सोचता है कि शायद ऑनजो भी उसको लाइक करती है। इसके बाद वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। और फिर अगली सुबह हम ऑनजो को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बैठी बातें कर रही थी। इसी दौरान उसके घर सैन आ जाता है और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि सैन और ऑनजो दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते थे। और यहाँ पर ये गेम भी खेलते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो इस गेम को हारेगा वो जीतने वाले का बैग स्कूल तक लेकर जाएगा। अब ऑनजो इस गेम को हार जाती है और वो सैन का बैग लेकर स्कूल तक जाती है। इसके बाद ही दोनों स्कूल आ जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था और स्कूल में सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद हम वही लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने जिनसू को मारा था। अब ये सभी लड़के स्कूल के एक लड़का और एक लड़की को बैग वाली बिल्डिंग पर ले जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब ये सभी लड़के उस लड़के को बहुत ज्यादा मारते हैं और ये सभी लोग ये समझ रहे थे कि जिनसू के गायब होने की खबर टीचर को इसी लड़के ने बताया है और वो जिस लड़की को अपने साथ लाए थे उसकी खराब सी वीडियो बनाने लगते हैं और
उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की जिसका नाम था सोयू। अब सोयू उस लड़की को बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी इसको जाते हुए रास्ते में ओंजो देख लेती है जो इसको देखकर अपने बाल खोल देती है और यहाँ पर ये हमें बात समझ आती है कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि सोयू को पसंद करती थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सोयू और सैन दोनों फ्रेंड थे और फिर उनकी क्लास टीचर आ जाती है। वो उन सबसे मोबाइल कलेक्ट करने लगती है और सबसे उस गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछती है। तभी एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसने उस लड़की को लास्ट टाइम साइंस लैब में देखा था। अब टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाती है लेकिन मिस्टर ली उसको साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। तभी वहाँ पर टीचर को अजीब सी आवाज आती है लेकिन मिस्टर ली उसको कहते हैं कि उसने एक चूहे को बंद किया हुआ है और ये आवाज भी उसी चूहे की होगी। जब टीचर यहाँ से चली जाती है तो हम उस लड़की को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी मिस्टर ली उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। मिस्टर ली शायद उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना तो मिस्टर ली उसको कहते हैं कि हाँ उम्मीद करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शायद वो ये जानते थे कि ये लड़की मरने वाली है। फिर इसके बाद मिस्टर ली यहाँ से क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को तंग कर रहा था जिसने पहले उस लड़के की वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं लड़कों में से था जिन लोगों ने जिनसू को भी मारा था। यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक पढ़ा रहे थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बुक में गलत लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ वो लड़की भी छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था और वो अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपनी क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स इसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की ये भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसको अजीब से इंजेक्शन दिए हैं। अब ये सभी बातें पूरी क्लास में फैल गई थी। तभी जल्दी से सोयू उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी सोयू के पीछे चली जाती है और जब उस लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पर काट लेती है। और दूसरी तरफ क्लास में सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने शायद उस लड़की के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो लड़की अपने गैंग के साथ मिलकर उनके बेटे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया करती थी। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना बैग उठाकर अपने घर जा रही थी क्योंकि इस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और ये लड़की चुपचाप अपने घर चली जाती है। इसके बाद सैन को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। अब ये ओंजो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस लड़की को एम्बुलेंस में डाल कर ले जाते हैं और ओंजो के फादर उसको पट्टी बांध देते हैं। ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते थे। अब ओंजो क्लास में जाते हुए सोयू को बुलाती है और उसको अपना नेम बेस्ट देती है। अब नेम बेस्ट देने का मतलब कोरिया में ये था कि डेट पर जाने के लिए पूछना। अब सोयू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो तो वो कहती है कि हाँ। वे वहाँ पर सहना चाहता है। अब इस बात पर ओंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये सोचती है कि हम दोनों के दरमियान में सैन ने आकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब लैब में आकर चेक करते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और वो मिस्टर ली से उस लड़की के बारे में पूछते हैं और उनको पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली उनको बताते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए था। लेकिन इस सभी मामले को प्रिंसिपल पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब मेरे बेटे के साथ इस स्कूल में इतना बुरा होता था तब तो आपने कहीं पर भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देखते हैं जिसको इस लड़की ने काट लिया था और वो फौरन ही ज़ॉम्बी में बदल जाती है। हम स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और फिर सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैंटीन पर चले जाते हैं। कैंटीन में ओंजो बैठी अपनी फ्रेंड से बातें करती है कि वो सोयू को कैसे प्रपोज कर सकती है। और दूसरी तरफ हम सोयू को देखते हैं जो किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में था। ये लड़की क्लास के प्रेसिडेंट थी। अब ये अलग सबसे इसलिए रहती थी क्योंकि इसके मदर ने इसको जबरदस्ती क्लास प्रेजेंटेड बनवाया था और इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसकी इज्जत नहीं करता था। और दूसरी तरफ हम उसी गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने मिलकर जिनसू को मारा था। अब वो लड़के गुजरते हुए मेडिकल लैब की तरफ देखते हैं
जहाँ पर हम उस टीचर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी में बदल कर अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी, और ये दोनों लड़के अब उस टीचर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो टीचर अचानक से इन दोनों पर अटैक कर देती है और इन दोनों लड़कों में से एक की कार नोच कर खा जाती है, और अब ये लड़का भी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाता है और ये दूसरे स्टूडेंट को खाने लगता है। और फिर हम स्कूल के छत का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है जिसकी उन लड़कों ने वीडियो बनाई थी। तभी वहाँ पर उस लड़की का दोस्त आ जाता है और उसको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो। तो लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो लड़की कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम भी लूजर हो और मैं भी लूजर हूँ और हम दोनों मिलकर बहुत ही बड़े लूजर बन जाएंगे। इसके बाद वो लड़की सुसाइड करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे जाती है और वो देखती है कुछ स्टूडेंट विंडो से छलांग लगा रहे हैं। ये स्टूडेंट एक्चुअली ज़ॉम्बीज को लेकर कूद रहे थे। ये देख कर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सभी ज़ॉम्बीज जो नीचे गिर गए थे वो ग्राउंड में स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं। यहाँ पर अभी भी रिलैक्स माहौल था क्योंकि यहाँ पर अभी भी किसी को नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है। कोंजो यहाँ पर सैम से कहती है कि तुम सोयुक से पता करो कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता। ये सब सुनकर सैन का दिल टूट जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। तभी ओंचो विंडो पर देखती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, और तभी उसकी नज़र पीछे जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि वो ज़ॉम्बीज भी थे जो स्टूडेंट्स को नोच नोच कर खा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले हम उस लड़के को देखते हैं जो उस गैंग का हिस्सा था। वो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था और वो यहाँ पर आकर फौरन ओंचो पर अटैक कर देता है। अब इस सीरीज की एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी उन पर ज़ॉम्बीज आकर अटैक कर देते हैं और ग्राउंड से सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर वो सब टीचर्स पर चिल्ला रहे थे, और ये स्कूल का प्रिंसिपल इस बात पर सबको डांट रहा होता है कि ज़ॉम्बीज वाली बात न्यूज तक चली गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक टीचर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो अनाउंसमेंट करने के लिए बाहर चली जाती है, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एक टीचर को खा लेता है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने देखा था कि ओंजो पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर सैन आकर ओंजो को बचा लेता है। अब सैन ओंजो को बचा लेता है और वो दोनों विंडो से छलांग लगा देते हैं, लेकिन बाहर भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। अब वो दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए गेट की तरफ भागते हैं, तभी वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इसका ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब सैन ओंजो को बचा कर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। अब वो लोग एक क्लासरूम में पहुंचते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट दरवाजा नहीं खोलते। वो समझते हैं कि ये लोग भी ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उनके कहने पर ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और वो सभी लोग क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सोयुक को देखते हैं जो क्लास के प्रेसिडेंट को लेकर भाग रहा था, और वो भी अब विंडो के जरिए इस क्लासरूम में आ जाता है। अब क्लास में सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। दूसरी तरफ उस पहले वाली लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बनी थी। अब उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, और हम मिस्टर ली को भी देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थे। अब यहाँ पर मिस्टर ली के बारे में हमें एक बात पता चलती है कि वो पहले एक साइंटिस्ट थे। मिस्टर ली ने एक केज में एक चूहे और एक बिल्ली को रखा था, लेकिन चूहा बिल्ली से डर कर उस केज के कोने में बैठा रहता था। लेकिन जब एक दिन चूहे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मिस्टर ली ने उसके डीएनए को ले लिया और फिर उसके डीएनए से एक मेडिसिन बनाई, और उस मेडिसिन को मिस्टर ली ने अपने बेटे की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। अब इनको ये लगता था कि इनका बेटा भी बहुत ज्यादा डरपोक है, इस वजह से उसको भी गुस्सा आएगा। लेकिन सबसे पहले इनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और उसने सबसे पहले अपनी मदर को ही मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली एक बहुत ही ज्यादा साइको था। इसके बाद हम हॉस्पिटल में उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर उस पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। तभी वो लड़की वहाँ पर दो डॉक्टर्स को काट लेती है और वो डॉक्टर्स फौरन से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं क्योंकि ये लोग सभी एक दूसरे को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से चली गई थी। इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि ये इस इंसिडेंट से पहले ही स्कूल से बाहर आ गई थी। वहीं पर रोड पर हम एक बस को देखते हैं। इस बस में सभी उस स्कूल के स्टूडेंट्स थे जो गेम्स खेलकर वापस स्कूल आ रहे थे। वो जब स्कूल पहुंचते हैं तो यहाँ आकर उनके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में बंद स्टूडेंट फोन को ढूंढते हैं ताकि वो फोन से किसी की हेल्प को बुला सकें। वो लोग फोन से कॉल करते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी को भी कोई असर नहीं होता। वो सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं।
दूसरी तरफ पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट में भी कॉल आती है कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल गई हैं। अब वो थोड़ा सा इस बात को लेकर सीरियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो अपने फादर को भी कॉल कर देती है। फिर ये सब सुनकर ओंजो के फादर अपने स्टाफ के साथ वहाँ से निकल जाते हैं इन सब की हेल्प करने के लिए। फिर उनकी क्लास में वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट टीचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टीचर वहाँ पर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि डोर और विंडो को अच्छे तरीके से बंद कर दो। इसी दौरान ओंजो उस टीचर के हाथ को नोटिस करती है कि उस टीचर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। अगले ही पल वो टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है और वहाँ पर एक लड़की को भी काट लेता है और उसको भी अपने साथ ज़ॉम्बी बना देता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट उस टीचर के साथ काफी ज्यादा फाइट करते हैं। इसके बाद वो उस टीचर को उस रूम में ही बंद कर चले जाते हैं। अब यहाँ से निकल कर ये लोग लैब में जाने के लिए भागते हैं और यहाँ पर सोयुग सभी को उड़ उड़ कर मारता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाइटर था। इसके बाद वो फाइनली लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो लैब तक पहुंचते हैं तो वहाँ का लॉक लगा हुआ था। अब ओंजो उस लॉक को तोड़ती है, तभी दूसरे स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और जब ये लोग लैब में पहुंच जाते हैं तो वहाँ की सभी विंडोज और डोर को बंद कर लेते हैं। ओंजो यहाँ पर सबसे सोयुग के बारे में पूछती है क्योंकि वो लैब के बाहर ही रह गया था। ओंजो अब ये बात सोचती है कि सोयुग भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। इसके बाद हमें छत का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों लड़का लड़की के बारे में एपिसोड 1 में भी देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वॉशरूम में एक लड़की को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से ही छुपी हुई थी और उसके साथ वाले वॉशरूम में एक लड़का और एक लड़की छुपे हुए थे। अब उन दोनों में से लड़की इन्फेक्टेड थी, लेकिन लड़की को इस बात का नहीं पता था। अब ये साथ ही वॉशरूम में जो लड़की थी वो उस लड़के को उस वॉशरूम से बाहर निकालती है और उस लड़के को उसी वॉशरूम में बंद कर देती है और अगले ही पल वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी एक एरो आकर उस लड़की ज़ॉम्बी के सर पर लगता है और यहाँ पर हम इस सीरीज के दो मेन और कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बो और एरो को चलाना जानते थे और इन लोगों को हमने बस में देखा था। ये लोग बस में से यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो ये अनाउंसमेंट करती हैं कि स्कूल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और जो स्टूडेंट जहाँ पर है वहीं पर छुप जाए। इसी दौरान हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है कि कौन कहाँ पर छुपा हुआ है और हम प्रिंसिपल को भी देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपे हुए थे। अब ओंजो की फ्रेंड सैन से बात करती है और उससे पूछती है कि ओंजो ने क्या तुम्हें बताया है कि वो सोयुग को पसंद करती है। इसके बाद ओंजो की फ्रेंड उसके पास चली जाती है। ओंजो अपनी फ्रेंड की बॉडी को नोटिस करती है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही है और दूसरे ही पल वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ये ओंजो की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और अब वो ज़ॉम्बी बनकर ओंजो पर ही सबसे पहले अटैक करती है, लेकिन तभी उसको विंडो से नीचे गिरा देते हैं। अब ओंजो उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ भी छोड़ने को उसका दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। ओंजो इन सब हालात से बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी। और दूसरी तरफ हम सोयुग को देखते हैं जो कि जिंदा था और एक बेंच के साथ लगकर छुपा हुआ था। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो पाइप से उतरकर नीचे जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में डोर टूट जाएगा और सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाएंगे। तभी सैन कहता है कि मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा। जब उसकी नजर ओंजो पे पड़ती है तो वो देखता है कि ओंजो को किसी की भी परवाह नहीं थी, वो खामोशी से बैठी हुई थी। वो ओंजो को देखकर अब डिसाइड करता है कि वो लास्ट में जाएगा और वो सभी स्टूडेंट्स को भेजता है। जहाँ पर पाइप खत्म होता है वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम था और वहीं पर उनकी टीचर भी थी और फिर उनकी टीचर सबको एक एक कर अंदर बुला लेती है। अब ऊपर सैन और ओंजो बचे थे। सैन उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ओंजो उसको कहती है कि मुझे नहीं जाना क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जिसको मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर सैन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है पर वो फाइनली ओंजो को मना कर उसको नीचे भेज देता है। दूसरी तरफ हम सोयुग को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था और विंडो से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जब सैन पाइप से नीचे उतरने लगता है तो वहाँ पर उस रूम में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो सैन को लेकर नीचे कूद जाते हैं। और एट द एंड हमें ऐसा दिखाया जाता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिरकर मर गया। इसके साथ यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है मिस्टर ली से। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि हाँ, ये वायरस मैंने ही बनाया है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी। वो लड़की जब पब्लिक टॉयलेट पर जाती है तो वहाँ पर उसकी एक बेबी की बर्थ होती है और इसीलिए इस लड़की की तबीयत खराब थी, लेकिन ये अपने बेबी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जब ये बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। इसके बाद हम सोयुग को देखते हैं जो कि एक
लेवल पर था और वो पाइप के जरिए एक रूम में जाने की कोशिश कर रहा था और ये देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज सैन को लेकर नीचे कूद रहे हैं और ये वही सीन है जो लास्ट एपिसोड में एंड हुआ था। लेकिन यहाँ पर सोयुक सैन की मदद करता है। वो दोनों फिर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो जाते हैं और जब ये सब लोग इस क्लासरूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। अब वो लड़की जिसने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था वो सबको कह रही होती है कि जल्दी से विंडो बंद करो। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि उन दोनों को अंदर आने दो तभी हम विंडो को बंद करेंगे। लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ बदतमीजी करने लगती है। लेकिन वहाँ पर इनकी टीचर आ जाती है और इन दोनों को चुप करवा देती है। इसके बाद वहीं पर इन्हें एक कंप्यूटर नजर आता है और कंप्यूटर पर अब ये बाहर का सीन देखने लगते हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद हम बाहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए थे और कुछ लोग ये वीडियोस बनाकर अपलोड भी कर रहे थे। अब ये वीडियो इन लोगों तक भी पहुँच जाती है और फिर सब लोगों को ये पता चल जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी पाइप के जरिए विंडो तक आ जाता है। वहाँ पर सोयुक जाकर एक रॉड से उस पर अटैक करता है लेकिन तभी सैन का फ्रेंड कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर उसको मारने लगता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उसको कहती है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो। यही पर सीन कट हो जाता है। हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जहाँ पर अंजो के फादर उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर पॉलिटिशियन का एक मेंबर इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ हम रूम में सैन के फ्रेंड को देखते हैं जिस पर सभी लोग इल्जाम लगा रहे थे कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी वो सब लोग उसको एक रूम में एक घंटे के लिए रहने के लिए कहते हैं और टीचर जिस लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया था उसको कहती है कि अगर ये एक घंटे के अंदर अंदर ज़ॉम्बी ना बना तो तुम जाकर इसको सॉरी बोलोगी। और दूसरी तरफ हम सैन की मॉम को देखते हैं जिन्होंने न्यूज में अब ज़ॉम्बी के बारे में सुन लिया था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है और अब पुलिस भी पूरी सिटी को कवर कर रही थी ताकि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो बाहर ना आ सके और उनकी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद स्कूल के वॉशरूम में हम चार स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन लोगों को हमने पहले भी देखा था। दूसरी तरफ रूम में हम सैन के फ्रेंड को देखते हैं जिसको रूम में रहते हुए आधा घंटा हो चुका था लेकिन वो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं था। तभी टीचर उसको बाहर बुलाने के लिए जाती है लेकिन सैन का फ्रेंड बाहर नहीं आता। अब टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से उसको बुलाने के लिए कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो जाकर उससे सॉरी बोलेगी। अब वो पिंक स्वेटर वाली लड़की जाकर उसको सॉरी बोलती है और अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसके हाथ की चोट को साफ करने लगती है। लेकिन ये लड़की सैन के फ्रेंड के साथ बहुत ही बुरा करती है। ये ज़ॉम्बी के ब्लड को उस रुमाल पर लगाकर इसके हाथ पर लगा देती है ताकि इसका ब्लड ज़ॉम्बी के ब्लड से मिल जाए और इसकी बॉडी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाए। और फिर से ये लड़के को बुरा बोलती है। अब वो भी गुस्से में आकर इससे लड़ने लगता है लेकिन ये लड़की अब भी सबको यही कह रही थी कि ये इन्फेक्टेड है। लेकिन सभी लोग इस लड़की को कहते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो अभी तक ज़ॉम्बी बन जाता। अब जैसे ही रात होती है वो बेचारा सैन का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग सैन के फ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा लड़का था जो बगैर डरे ही सबकी हेल्प किया करता था। लेकिन अब सैन का फ्रेंड भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सबसे पहले सैन पर ही अटैक करने लगता है लेकिन सैन उसको डिस्ट्रैक्ट कर विंडो से नीचे गिरा देता है और वो विंडो से नीचे गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ भागने लगता है। अब उसको देखकर सैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने बेबी को लेकर इधर उधर भाग रही होती है। अब ये लड़की सैन की मॉम के रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर ये खुद को बांध देती है क्योंकि ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और अपने बेबी को एक साइड पर रख देती है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो अपने बेबी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब स्कूल के लैब में काफी ज्यादा खामोशी थी और सभी लोग खामोशी से बैठे हुए थे और सैन के फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा उदास थे। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सबको कहती है कि मैंने कहा था कि वो पहले ही इन्फेक्टेड है। वो ये सोचती है कि सब लोग इसको थैंक यू बोलेंगे।
कि इसने उन सबकी जान बचाई है। तभी क्लास की प्रेसिडेंट इसको स्लैप करती है और कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुमने क्या किया, और क्लास की प्रेसिडेंट सबको सब कुछ बता देती है कि इस लड़की ने क्या किया था। अब वो लड़की वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन उसको अभी भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं था। फिर वो लड़की बाहर रोते हुए चली जाती है और क्लास की टीचर भी अब उस लड़की के पीछे जाती है, क्योंकि वो टीचर उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे गई थी। लेकिन वहाँ पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अचानक से उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। तभी टीचर उस लड़की को वहाँ से लेकर भाग जाती है। एपिसोड 4 में हम सैम की मदर को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आ गई थी। जब सैन की मदर स्कूल में आ जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले वो सैन की फ्रेंड को देखती है, लेकिन ये बात उनको नहीं पता थी कि सैन का फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन गया है। जब वो सैन के फ्रेंड के पास सैन का पूछने के लिए आती है तो सैन का फ्रेंड और बाकी ज़ॉम्बीज मिलकर उनको काट लेते हैं और सभी ज़ॉम्बीज मिलकर उनको खा जाते हैं। दूसरी तरफ साइंस लैब में हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद टीचर और वो लड़की बच गए हैं, क्योंकि उनके चिल्लाने की अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो उस गैंग का हिस्सा था जो लोगों को तंग किया करते थे, और वो ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ जाता है। तो वो एक साइकिल पर बैठकर स्कूल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है और उसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। फिर वो दोबारा से स्कूल में ही चला जाता है। अब वो प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है, वहाँ पर वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारता भी है, और वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल भी छुपे हुए थे। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो वॉशरूम में लड़ रही थी। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अभी भी मिस्टर ली से उस वायरस के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि उन्होंने ये वायरस इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटे को मजबूत कर सके, लेकिन ये वायरस उनके बेटे पर उल्टा हो गया और उनके बेटे ने ज़ॉम्बी बनकर सबसे पहले अपनी मदर को ही खा लिया। अब ये सिटी खाली हो रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं, तभी मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और उनको काट लेता है। अब मिस्टर ली को ये बात पता थी कि वो जल्द ही मर जाएंगे। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि साइंस लैब में मेरा लैपटॉप है जिसमें इस वायरस से बचने का एंटीडोट है। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर ली जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। अब पुलिस ऑफिसर एक लड़के के पास पहुँचते हैं और उसे अपने साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो सबको उस लैपटॉप के बारे में बता सकते थे जिसमें वायरस का एंटीडोट था। अब सुबह हो जाती है, हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो साइंस लैब में फंसे हुए थे। अभी तक इनके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया था। दूसरी तरफ हम वॉशरूम में फंसे स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्होंने रात में बहुत ही ज्यादा फाइट की थी। अब वो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। अब गैंग का वही लड़का जिसने उस लड़की की वीडियो बनाई थी, जिस लड़की को हमने छत पर देखा था जो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, अब वो लड़का उसकी वीडियो को अपलोड कर देता है। लेकिन वो लड़की अब अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो उस लड़के का फोन तोड़ देगी ताकि वीडियो अपलोड ना हो सके। इसलिए अब वो बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज से बच भी जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसको काट लिया था। ज़ॉम्बी के वायरस का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं होता। और दूसरी तरफ हम सैन और सोयू को देखते हैं जो अब स्टाफ रूम में जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर मोबाइल फोन मिल सके। जब वो स्टाफ रूम में पहुँचते हैं तो वहीं पर वो उस लड़की को देखते हैं जो फोन को तोड़ रही थी। तभी वहाँ से एक फोन सैन उठा लेता है, लेकिन वो लड़की सैन को मारने के लिए आगे आती है। तभी सोयुग उसको बचा लेता है और उस लड़की को पीछे धक्का दे देता है। अब स्टाफ रूम में और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगे थे। तभी सोयुग विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैन विंडो तक नहीं पहुंच पाता। अब वो डोर से बाहर जाता है। अब हम प्रिंसिपल और उस लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था। प्रिंसिपल उस लड़के को अपनी कार की देते हैं और उसको कार लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी उनके दरमियान वहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तब इसके बाद हम ऑन्जो के फादर को देखते हैं जो वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर भी अब बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए थे। वो छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर ने आना था ताकि वो सब लोगों को बचा कर वहाँ से ले जा सके। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो डोर
से बाहर चला गया था, अब वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर वो जाकर देखता है कि वो लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है। तभी सैन उस लड़के को मना करता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो प्रिंसिपल को ही मार देता है। इसके बाद वो सैन के पीछे भागता है। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है वो गैंग का लड़का अब सैन के पीछे भागता है और सैन को रोकने के लिए एक चाकू से भी उस पर वार करता है, लेकिन सैन को वो चाकू नहीं लगता और वो बच जाता है। सैन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। अब वो लड़का सैन के साथ वहाँ पर फाइट करता है और उससे फोन मांगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके जो उसने अपलोड की थी, लेकिन तभी सैन फोन उसकी आंख पर मारता है और जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उस गैंग के लड़के को सैन नीचे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के को भी अब ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और सैन लाइब्रेरी से भाग जाता है। अब इसके बाद हम वॉशरूम में स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे। अब वो हिम्मत कर वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो स्कूल के मेडिकल रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको एक कंप्यूटर नजर आता है जो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पाइप्स के रास्ते से जाता है। दूसरी तरफ कमांडर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने पूरी सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सिग्नल्स को भी कट कर दिया था। सैन अब इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि सिटी में सभी नेटवर्क्स खत्म हो गए थे। दूसरी तरफ ऑनजो एक स्टूडेंट को ड्रोन लाने के लिए कहती है जो उसने बनाकर लैब में रखा हुआ था। वो लोग उस ड्रोन को लाने के लिए विंडो के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तब इसके बाद पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसी आदमी के साथ लैपटॉप की तलाश में निकले हुए थे। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं लेकिन वहाँ पर वो गाड़ी भी खराब थी। तो फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि सैन की मदर का था। वहाँ पर जाकर वो उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने आप को बांध दिया था और उसका बेबी भी उनको मिल जाता है। अब सैन भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच गया था। दूसरी तरफ ऑनजो और वो स्टूडेंट ड्रोन लेकर आ गए थे। अब वो ड्रोन को सेट भी कर देते हैं। उस ड्रोन की हेल्प से वो सैन का भी पता लगा लेते हैं और अब ये बात भी उनको पता चल जाती है कि सैन बिल्कुल ठीक है। वो ड्रोन को सिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। तभी एक गाड़ी में एक स्टूडेंट अपने मॉम और डैड को देखती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। इसी के साथ ज़ॉम्बीज अब उनके ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ऑनजो के फादर उन लोगों को बचाकर अपने हेलीकॉप्टर में मिलिट्री ऑफिस ले आए थे। अब मिलिट्री के लोग उनको एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और वो गैंग का लड़का जो अब ज़ॉम्बी बन गया था, अब ज़ॉम्बीज भी उसके करीब नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उस वीडियो वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। हम सैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था। अब वहाँ पर वही पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स अब ज़ॉम्बी बन गए थे, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक आइडिया आता है जिससे वो सैन के पास पहुंच सकते थे। तो उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वो स्कूल के कुछ हिस्सों में माइक के जरिए सॉन्ग को चलाएंगे जिसकी वजह से जितने भी ज़ॉम्बी स्कूल में होंगे वो वहाँ पर चले जाएंगे, तभी पूरा स्कूल खाली हो सकता है और तभी वो लोग सैन के पास जा सकते थे और फिर वो लोग उसको लेकर टेरेस पर जा सकते थे ताकि वो लोग अपने लिए हेल्प को बुला सके। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज भागकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो बहरा था उसको सुनाई नहीं देता था, वो वहीं पर था। जब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे से जा रहे होते हैं तो वो ज़ॉम्बी अचानक से उनको देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी पर अटैक कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसको सैन ने मोबाइल से इंजर्ड कर दिया था। अब वो वहाँ पर आकर सभी को मारने लगता है। तभी उसकी नज़र सोयुग पर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है और सोयुग से सैन के बारे में पूछता है, लेकिन सोयुग उसको मना कर देता है। इसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। वो गैंग का लड़का अब सोयुग को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उसके हाथ पर काट लेता है,
लेकिन सोयुग उस लड़के को विंडो से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि गार्ड्स ओंजो के फादर की बात को नहीं मान रहे थे। वो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उन गार्ड्स को बेहोश कर उनका यूनिफॉर्म पहन कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सोयुग और क्लास के प्रेसिडेंट सैन और बाकी स्टूडेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर सैन जब उस लड़के के हाथ पर देखता है कि इसको सोपी ने काटा है, तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोयुग उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसको विंडो से नीचे गिरा दूंगा। फिर इसके बाद हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में थे। अब वो बाहर आ जाते हैं और अपने एक साथी की हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब वो क्लास के प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी सोयुग उसके हाथ को अपने हाथ से बांध लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने उस लड़की के बेबी को बचा लिया था। अब वो उसको लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनको वहाँ पर एक और बच्ची नजर आती है जिसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। अब वो उस बच्ची को भी लेकर दोबारा रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स, अब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो लोग उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खाना था, और उस रूम के अंदर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी जो अंदर से अब डोर को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल गए थे, लेकिन सोल्जर्स उनको वहाँ पर देख लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को एक कैमरा मिलता है, वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं और सभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन एक बुलेट उनको लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि सोयुग अभी भी उस लड़की के पास था जो इन्फेक्टेड हो गई थी। वो उसको बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिस लड़की की लड़कों ने वीडियो बनाई थी, जो अब आधी ज़ॉम्बी बन गई थी क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। अब वो अपने टीचर के पास आती है, तभी उसके टीचर उसको देखकर कुछ मारने लगते हैं, लेकिन इस टीचर ने उसकी कभी भी कोई हेल्प नहीं की थी जब उसको लड़के तंग किया करते थे। इसीलिए अब जब वो ज़ॉम्बी बन गई थी तो वो अपने टीचर को ही खा जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। दूसरी तरफ हम म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं। अब वहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। अब इन सभी स्टूडेंट्स को टेरेस पर जाना था ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने लिए हेल्प को बुला सके। वो लोग ये प्लान करते हैं कि इस रूम को वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इस रूम में सॉन्ग को चलाने वाले थे ताकि सभी ज़ॉम्बीज इस रूम में इकट्ठे हो जाएं और वो दूसरे डोर से इस रूम से बाहर निकल जाएं। उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, वो लोग दूसरे डोर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो एक पुलिस स्टेशन से कुछ गन्स को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मेडिकल रूम में फंसे हुए थे, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। वो उसको एक बेड बनाकर उस पर लिटा कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो बेड टूट जाता है और उसकी आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं। वो तभी फौरन से वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर्स बच्चों को बचाकर बाइक पर लेकर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो टेरेस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसका पाँव एक टूटा हुआ था। वो लड़का एक ब्लॉगर भी था। अब वो उनको हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को बचाने जाता है, जो दूसरा ऑफिसर उसके साथ था वो उसको धोखा दे देता है और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सैन और सोयुग और उनके साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जो अब टेरेस तक पहुंच गए थे, लेकिन टेरेस का डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो उसको खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है टेरेस पर अभी भी एक और स्टूडेंट था, लेकिन वो उन लोगों के बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, वो डोर को ओपन नहीं करता। तभी वहाँ टेरेस पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है, वो उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। जब वो उस लड़के से पूछते हैं तो वो स्टूडेंट उनको बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूँ जो जिंदा हूँ और बाकी सब मर गए हैं। वो मिलिट्री के लोग उस लड़के को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट जो ज़ॉम्बी बन गई थी वो स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी फायर अलार्म बच जाते हैं और सभी डोर ओपन हो जाते हैं। अब टेरेस का डोर भी ओपन हो गया था। फिर वो सभी लोग टेरेस पर चले जाते हैं और अपने लिए हेल्प बुलाने लगते हैं। तभी वो गैंग का लड़का जो ज़ॉम्बी बन गया था वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ टूट जाता है।
अब वो स्टूडेंट्स छत पर जाकर SOS लिखते हैं ताकि उनका कोई हेल्प मिल सके। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जो ब्लॉगर के साथ था, जो उसके साथ का ऑफिसर था, वो उसको धोखा देकर नहीं भागा था बल्कि वो उसके लिए एक बस ले आता है और उसके साथ उसमें बच्चे भी होते हैं। अब वो ऑफिसर और ब्लॉगर बस के ऊपर कूद जाते हैं और वो दूसरा ऑफिसर उनको वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो छत पर चढ़े हुए स्टूडेंट अब वो आग जलाने की कोशिश करते हैं, तभी उनमें से एक स्टूडेंट उसको अपना लाइटर देती है, जिससे वो ये बात सोचते हैं कि ये स्टूडेंट शायद स्मोकिंग करती थी। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो बस चलाकर जा रहा था, तभी उनकी बस से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहाँ पर मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं, वो लोग सबको रेस्क्यू कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो पिंक स्वेटर वाली लड़की, जिसने अपने आप को अभी भी बंद किया हुआ था, अब वो छत पर बचे हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना ले जाने का सोचती है और दूसरी तरफ वो उन बातों को भी याद करती है कि जब उसकी टीचर ने उसको बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। लेकिन जाते हुए उसको वही गैंग का लड़का मिल जाता है जो आधा ज़ॉम्बी बना हुआ था और उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। वो पिंक स्वेटर वाली लड़की को अपनी तरफ खींचता है और खा जाता है। दूसरी तरफ सैम अब ओंजो को बता देता है कि वो उसको लाइक करता था, लेकिन ओंजो को ये बात पसंद नहीं आती और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। सैन उसको ये भी कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तभी वहाँ पर वही गैंग का लड़का आ जाता है जो ज़ॉम्बी में बदल गया था। वो वहाँ पर आकर सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट जो आधी ज़ॉम्बी थी वो उसको उठाकर छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। एपिसोड 9 में हमें दिखाया जाता है, अब वो ऑफिसर जिसको मिलिट्री वाले ले गए थे वो उनको बताता है कि एक टीचर मिस्टर ली, जिसने ये वायरस बनाया था, अब इस वायरस का एंटीडोट उसके लैपटॉप में है, लेकिन वो लैपटॉप एक स्कूल के साइंस लैब में है। तभी वहीं पर कमांडर सभी को इस मिशन का ऑर्डर दे देते हैं और वहाँ पर जो छत पर स्टूडेंट थे अब वो एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और वो हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर्स उतर कर आते हैं और वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट के टेम्परेचर को चेक करने लगते हैं, लेकिन जो क्लास के प्रेसिडेंट थे उसका टेम्परेचर कुछ अलग था क्योंकि वो आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सोल्जर्स उन स्टूडेंट को कहते हैं कि पहले हमें साइंस लैब से लैपटॉप को लाना होगा, उसके बाद हम लोग तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम मिलिट्री में देखते हैं वो लड़की जिसका बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो भी आधी ज़ॉम्बी थी, अब वो वहाँ पर एक लड़की को खा जाती है। जब ये सब कमांडर्स देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लड़की भी ज़ॉम्बी थी। अब वो लोग ये सोचते हैं कि इनमें से कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये ज़ॉम्बीज हैं। अब वो स्टूडेंट जिनमें ओंजो और सोयुग भी शामिल थे, कमांडर्स उनको रेस्क्यू करने का मना कर देते हैं और सोल्जर्स उनको वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब सैन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पर बॉनफायर को भी बुझा देता है और SOS के साइन को भी हटा देता है। अब इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो अभी भी अपने रास्ते में थे, वहाँ पर एक आदमी उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो उस आदमी को गन देकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बचाना था। अब दूसरी तरफ मिलिट्री वालों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब रात को वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये सभी स्टूडेंट जो छत पर फंसे हुए थे और वहाँ पर बहुत ज्यादा बादल भी गरज रहे थे, अब ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि बादल के गरजने की आवाज की वजह से ज़ॉम्बी इनकी आवाजों को नहीं पहचान सकते, इसीलिए अब वो ये सब सोच कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो लोग नीचे आ जाते हैं। अब बाहर जब आते हैं तो सैन सबसे पहले अपनी मदर को देखता है जो कि ज़ॉम्बी में बदल गई थी। अब एपिसोड 10 में सैन को ये बात पता चल गई थी कि उसकी मदर भी ज़ॉम्बी बन गई है। अब सैन इस बात को देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। अब सैन इस बात को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब उनमें से एक लड़की अपने ग्रुप से अलग हो जाती है, तभी उसको वहाँ पर ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसको काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ कमांडर मिस्टर ली की वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ पर उन्हें ये बात पता चलती है कि मिस्टर ली ने सच कहा था, इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, अगर कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको जलाकर मारना ही इस वायरस का एंटीडोट है, और अगर ऐसा ना किया तो ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदल जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स को जो स्कूल से बाहर निकल गए थे, अब सुबह हो जाती है और ओंजो के फादर जो अभी भी अपनी बेटी की तलाश में रास्ते में थे। दूसरी तरफ हम उस गैंग के लड़के को भी देखते हैं
जो अभी भी सैन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कमांडर्स को ये बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज का वायरस दूसरे शहरों में भी फैल गया है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में ही फंसे हुए थे, वो एक वॉल बनाने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को काट लेते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने बाकी दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बीज उसको खा जाते हैं और मार देते हैं। दूसरी तरफ कमांडर्स की मीटिंग में हमें दिखाया जाता है, वो वहाँ पर ये बात डिसाइड करते हैं कि अगर हमने इस वायरस को ना रोका तो ये ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। इसीलिए अब वो बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोचते हैं और वो स्टूडेंट्स जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अब वो वहाँ पर डोर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो डोर बाहर से लॉक था। अब उस डोर को बाहर से ही कोई खोल सकता था। तभी वहाँ पर ऑन्जो अपने फादर को देखती है। उसके फादर उस डोर को खोल देते हैं। ऑन्जो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उनकी गले लग जाती है। एपिसोड 11 में हमें दिखाया जाता है, ऑन्जो के फादर अब उन सभी स्टूडेंट्स को एक पहाड़ पर ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वही जगह थी जहाँ पर ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता था। लेकिन वो जब सब लोग भागते हुए एक ग्राउंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ऑन्जो के फादर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल देते हैं और खुद वहीं पर लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और ये सब देखकर ऑन्जो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पर काफी रोने लगती है। फिर इसके बाद ये सभी स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज थे। अब ये लोग विंडो से बाहर निकलकर वहीं पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको ये बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब वो लोग सभी ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उन पर ब्लास्ट कर सके। दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो अभी भी स्कूल में फंसे हुए थे। अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था कि एक स्टूडेंट सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करे और बाकी यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अब इन लोगों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। तभी वहाँ पर वो अपनी तरफ एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर सबको बता रहा होता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है और जो लोग अभी भी इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि सेफ है, वो यहाँ से चले जाए। अब सिटी में ड्रोन्स भी आ जाते हैं जिनसे आवाजें होती हैं और सभी ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। तभी वहाँ पर सैन के पास वही गैंग का लड़का आ जाता है जो ज़ॉम्बी बनकर अभी भी उसका पीछा कर रहा था, और वो फाइट के दौरान सैन के हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर ऑन्जो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ऑन्जो भी सैन को पसंद करने लग गई थी। सैन ऑन्जो को गले लगाता है और वो दोनों नेम टैग को एक्सचेंज भी करते हैं। इसके बाद सैन अब ज़ॉम्बी बन गया था, वो सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी स्टूडेंट जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं थे वो यहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर सैन और वो गैंग का लड़का दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों उस ब्लास्ट में मर जाते हैं। उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, अब जो स्टूडेंट्स बच गए थे जिनमें ऑन्जो भी शामिल थी, वो सैन को देखने के लिए दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि सभी लोगों की डेथ हो गई थी। वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको रिबन्स भी बंधी हुई मिलती हैं। वो सभी रिबन्स ऑन्जो के फादर ने बांधी थी। ऑन्जो को वहाँ पर अपने फादर की एक टॉर्च भी मिलती है। ऑन्जो को ये बात पता चल जाती है कि ये रिबन्स उसके फादर ने ही लगाए होंगे, और वो उन रिबन्स की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग एक दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सिटी को बहुत पहले ही खाली करवा दिया गया था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि कुछ ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ रही हैं। अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड नहीं करते, वो ये डिसाइड करते हैं कि इन ज़ॉम्बीज से वो मुकाबला करेंगे। और वहाँ पर ज़ॉम्बीज से फाइट के दौरान दो स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं, और उनमें से एक स्टूडेंट को क्लास की प्रेसिडेंट मार देती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल गया था। अब वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट अब जिसको लग रहा था कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने वाली है और उसका दिल भी कर रहा था कि वो उन लोगों को खा जाए, इसीलिए वो खुद को उनसे अलग कर लेती है। लेकिन सोयुक और ऑन्जो उसके पीछे जाते हैं उसको बचाने के लिए। जब वो जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि वो लड़की दूसरे ज़ॉम्बी को खा रही है, और तभी वो ऑन्जो पर भी अटैक कर देती है।
लेकिन सोयुक उसको मार नहीं सकता था क्योंकि वो उसको पसंद करता था। लेकिन वो खुद से ऑन्चो को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो स्टूडेंट्स बच गए थे वो बेस में चले जाते हैं। वहाँ पर मिलिट्री वाले उनको जेल में 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं ताकि वो ये देख सके कि वो ज़ॉम्बीज तो नहीं है। फिर 3 महीने के बाद सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ऑन्चो अब बाहर आकर एक पहाड़ पर जाती है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने की चीजें रखती है। इसके बाद वो स्कूल की छत को देखती है जहाँ पर अभी भी बॉनफायर लगी हुई थी। वो ये सोचती है कि शायद ही उनकी क्लास की प्रेसिडेंट है। अब वो इन सब के बारे में सोयुक को बताती है। वो दोनों रात को स्कूल जाने का डिसाइड करते हैं। सोयुक अब अपने साथ और भी फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेता है। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बॉनफायर जल रही थी और वहाँ पर वो क्लास की प्रेसिडेंट भी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऑन्चो अब उसको अपने साथ जाने का कहती है, लेकिन वो इस बात से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे जैसे और भी ज्यादा लोग हैं। तभी वहाँ पर उसके जैसे और भी लोग आ जाते हैं और वो वहाँ से बिल्डिंग कूद कर चली जाती है। ये सब देख कर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है।